नमस्कार दोस्तों, आज हमारे अजीज दोस्त पीयूष अवस्थी जी का जन्मदिन है, जो बहुत अच्छे शायर भी हैं और कवि भी हैं। तो एक शायर को उसके जन्मदिन के ऊपर क्या भेंट किया जाए, मैं समझता हूं कि उनकी कंपोजिशन अगर मैं गाऊं तो उनको बहुत पसंद आएगा और किसी को खुशी देना बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरी पुरजोर कोशिश है कि आज हमारे अजीज दोस्त पीयूष अवस्थी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पे उनकी एक बेहतरीन गजल को कंपोज करके अभी मैं सुना रहा हूं, यही हमारे उनके लिए एक भेंट है। तो मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जनाब पीयूष अवस्थी जी, जो हमारे शायर हैं, कवि हैं, और उनको मैं जन्मदिन की बधाई इस गजल के माध्यम से दे रहा हूं। गजल के शेर भी बहुत अच्छे हैं कि लोग तरसे हैं मुस्कराने को, लोग तरसे हैं मुस्कराने को, हाय क्या हो गया जमाने को। भाई दांत चाहूंगा आपकी, दांत का मतलब आप लोग लाइक करें या उसको हार्ट वाला बटन दबाए तो मजा आएगा कि हाँ आप सुन रहे हैं। बेहतरीन गजल हमारी तरफ से आज पीयूष अवस्थी के जन्मदिन के मौके पेश कर रहा हूं। साधना जी बहुत अच्छी सोशल वर्कर है। सतीश भैया, ये हमारे पीयूष अवस्थी जी के जन्मदिन पे, जो हमारे फेसबुक दोस्त भी हैं और शायद हैं, उनकी गजल में जन्मदिन पे उनको गिफ्ट है। लोग तरसे बात करते हो
समझाने की बात करते हो, है परेशान जमाने को, लोग तरसे मुस्कुराने को। उम्र भर रोशनी नहीं मानिए पहली बार गजल को पढ़ भी रहा हूं। दर्द तो दर्द की तरह से मिला, दर्द तो दर्द ही, दर्द तो दर्द की तरह ही मिला, दर्द तो दर्द की तरह ही मिला। प्यार हर लम्हा आजमाने को, दर्द तो दर्द की तरह ही मिला, प्यार हर लम्हा आजमाने को, दर्द ही दर्द की तरह ही मिला, प्यार हर लम्हा आजमाने को। हाय क्या हो गया जमाने को, तरसे बहुत आग खेलते बच्चे, है बहुत आग खेलते बच्चे, हादसा हो गया जराने, हादसा हो गया जराने, आए क्या हो गया जमाने को, लोग तरसे हैं मुझे। गजल का अभी शेर है, अब तो पिंजरे हटाए अपने, अब तो पिंजरे हटाए अपने, हम
है तैयार पर कठाने को, हम है तैयार पर कठाने को, लोग तरसे आए क्या हो गया जमाने को, लोग तब से मुस्कुराए। तो अब्र साहब ये गजल थी पीयूष अवस्थी जी की, हमारे दोस्त है और शायर है, आज उनका जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन के मौके पे ये गजल मैंने पेश की है। दोस्तों एक बार फिर मैं आप सब की तरफ से पीयूष अवस्थी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।